अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, बायोलॉजी सेकंड, चैप्टर नंबर 15। किडनी प्रॉब्लम्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर। किडनी स्टोन इज़ बेसिकली ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ वेरियस साल्ट्स ड्यूरिंग द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन इनसाइड द किडनी। एंड किडनी फेलियर इज़ द अदर टाइप ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स जो कि पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल डिफेक्ट्स हम लोग कंसिडर करते हैं किडनीज के अंदर, जिसमें किडनीज का पार्शल या कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किडनी स्टोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें, बायोलॉजी के अंदर जहाँ भी हम लोग किसी डिजीज़ को डिस्कस करते हैं तो हम तीन पैरामीटर्स को जज करते हैं उसके। सबसे पहले काजेस के उसके बिहाइंड क्या मैकेनिज्म्स थे जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ अकर हो रही है इनसाइड द बॉडी। उसके बाद सिम्टम्स कि उसकी अलामत क्या हैं, जब वो स्पेसिफिक डिज़ीज़ होगी तो उसकी अलामत क्या होंगी, कैसे हम लोग जज कर सकेंगे कि ये स्पेसिफिक डिज़ीज़ प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद थर्ड पैरामीटर है उसका क्योर, कि हम उसको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं तीन पैरामीटर्स की हेडिंग में हम लोग आज के इस टॉपिक में किडनी स्टोन और किडनी फेलियर को डिस्कस करेंगे। याद रखें, हमारा टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम एंड देयर क्योर्स। हमने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना है और जो प्रॉब्लम्स को क्योर करने के मेथड्स हैं उनको भी हम लोगों ने साथ साथ ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन इज़ बेसिकली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोनी मटेरियल इनसाइड द किडनी। अब याद रखें, ये जो स्टोन्स बन रहे होंगे, ये बन रहे होंगे इनसाइड द किडनी पैल्वस, किडनी के पैल्वस वाले रीजन में। उसके बाद ये वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं या मूव करके यूरेटर में भी आ सकते हैं। तो इनकी लोकेशन वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। अब इनकी जो काजेज़ हैं किडनी स्टोन की, वो हैं, हम लोग सबसे पहले इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं और टाइप्स के अंदर ही हम इनकी काजेज़ की बात करेंगे। पहली टाइप है कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन्स। तो हम लोग दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सलेट। अब कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन्स में याद रखना है कि एक चीज़ इनमें कॉमन होगी, वो होगी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम आइंस इनसाइड द ब्लड ड्यू टू एनी अदर डिजीज़। किसी भी अदर डिजीज़ की वजह से ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल हाई होगा और उसके साथ साथ दूसरी तरफ से ऑक्सलेट्स या फास्फेट भी ज़्यादा होंगे इनसाइड द ब्लड, तो ये कंबाइन कर जो किडनी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के टाइम पर साल्ट्स बना देंगे और वो साल्ट्स स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, उनको हम लोग नाम देंगे किडनी स्टोन्स। अब कैल्शियम की इंक्रीज कंसनट्रेशन इनसाइड द ब्लड, वो कैल्सिटोनिन या पैराथॉर्मोन हार्मोन, इनकी जो फंक्शनिंग है ये डिस्टर्ब होने की वजह से इंक्रीज होगी इनसाइड द ब्लड। तो उसके साथ साथ अगर कैल्शियम इंक्रीज थी तो उसके साथ अगर उसको इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सलेट या फास्फेट भी मिल गया तो उसने उन ऑक्सलेट और फास्फेट के साथ मिलकर क्या बना देने हैं, स्टोन्स। तो जो हाइपर ऑक्सलूरिया की स्टेट है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सलेट आयन इनसाइड द ब्लड। तो ऑक्सलेट आयन्स या ऑक्सलेट्स की जो ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है वो ग्रीन वेजिटेबल्स या टोमेटोस, इनके अंदर इनकी मिकदार क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए कहा जा रहा होता है कि अवॉइड करना चाहिए किडनी स्टोन वाले पेशेंट को इन चीज़ों से, लाइक लीफी वेजिटेबल्स और टोमेटोज और राइस, और सबसे ज़्यादा जो इसकी लीडिंग काज अल्कोहल वगैरह, उनसे भी क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। तो ऑक्सलेट्स टाइप ऑफ स्टोन की जो इंसिडेंस होता है, जो इनकी चांस होता है कर होने का, वो होता है 70%। ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज पार्ट के लिए कि ऑक्सलेट आयन के कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की फॉर्मेशन का जो चांस होता है वो कितना होता है, 70%। दूसरे नंबर पर अगर इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम तो था ब्लड के अंदर पहले से ऑलरेडी मौजूद है इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, उसके साथ साथ उसको इंक्रीज लेवल ऑफ फास्फेट भी मिल गया,
तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम फास्फेट टाइप ऑफ स्टोन्स। और इस तरह के स्टोन का जो चांस होता है बनने का वो होता है राउंड अबाउट 15%। थर्ड टाइप जो है वह यूरिक एसिड टाइप ऑफ स्टोन, इसके अंदर कैल्शियम का कोई रोल नहीं होगा। इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड जब वो मौजूद होगा ब्लड के अंदर, तो जब यूरिन को कंसंट्रेट किया जा रहा होगा तो कंसंट्रेशन के दौरान क्या होगा, यहाँ पे यूरिक एसिड टाइप ऑफ स्टोन बन रहे होंगे। उसके बाद है इसकी जो इंसिडेंस है वो 10% यूरिक एसिड टाइप ऑफ स्टोन्स। उसके बाद है इनके क्योर्स, तो याद रखिए किडनी स्टोन को क्योर करने के दो मेथड्स हम लोग पहले भी डिस्कस करते आए हैं और अब भी डिस्कस करेंगे। एक है सर्जिकल मेथड जो कि कन्वेंशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, सर्जरी की मदद से जो स्टोन प्रेजेंट होता है आइदर पेल्विस के अंदर या यूरेटर के अंदर, उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। उससे पहले स्टोन की लोकेशन को ज़रूर जज किया जाता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो एक तो ओल्ड मेथड हो गया सर्जिकल, दूसरा मेथड है लिथोट्रिप्सी जिसके अंदर हम लोग एक टाइप को डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा कारपोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर क्या होता है कि एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स को बम्बार्ड किया जा रहा होता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। एक्स्ट्रा कारपोरियल, कारपोरियल हम लोग कहते हैं बॉडी, आउटसाइड द बॉडी हम लोग बम्बार्ड करवा रहे होते हैं जिस जगह पे स्टोन मौजूद है वहाँ पे एक्सरेज को। तो वो एक्सरेज क्या करती हैं, बेसिकली वो स्टोन को ब्रेक कर देती हैं टू सैंड लाइक पार्टिकल्स और वो यूजुअल यूरिनेशन के प्रोसेस से रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये दो मेथड्स थे इनके क्योर के। अब अगर सिम्टम्स की बात करें कि किडनी स्टोन की सिम्टम्स क्या होंगी, तो सिम्टम्स ये होंगी फाउल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन होगा उसकी स्मेल क्या होगी, फाउल। उसके बाद जो यूरिन के अंदर ब्लड भी सम टाइम जो है वो नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो यूरेटर है वो क्या हो रहा होगा, सम टाइम डैमेज हो रहा होगा ड्यू टू इन्फेक्शंस क्रिएटेड बाय दिस टाइप ऑफ स्टोन्स। दूसरी टाइप है किडनी फेलियर, जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल डिजीज़ का भी नाम दे रहे होते हैं। अब किडनी फेलियर कंप्लीट या पार्शियल फेलियर, किडनी फेलियर का मतलब क्या है, किडनी के अपने फंक्शन से जो है वो लॉस हो जाना। किडनी फेलियर का ये मतलब नहीं है कि किडनी एब्सेंट हो जाएगी, नहीं, किडनी मौजूद है, उसका सारा स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन उसका जो फंक्शन है वो क्या हुआ, एब्सेंट। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो नेफ्रॉन को डैमेज होगा, नेफ्रॉन का डैमेज कहाँ पे हो रहा होगा, इन द रीजन ऑफ ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस का रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज। और उस ग्लोमेरुलस के डैमेज की वजह से क्या होगा, जो ब्लड होगा वो फिल्टर ही नहीं हो रहा। तो फिल्टर के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस इन अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट हेडिंग क्या थी, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस जब डैमेज हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब जो काजेज हैं किडनी फेलियर की वो हैं ब्लड लॉस, ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से ब्लड लॉस हो गया बहुत सारा अचानक से फ्रॉम बॉडी। तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी फेलियर का जो चांस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हार्ट अटैक, सम टाइम मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, ये भी किडनी फेलियर का बाइस बन जाता है कि हार्ट अटैक के बाद जब क्योर हो रहा होता है बंदा, तो हार्ट अटैक के दौरान ही जो एक या दूसरी किडनी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग द हार्ट अटैक। उसके बाद है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोलॉन्ग सिचुएशन ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा अरसे तक क्या रहे, प्रोलॉन्ग रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से जो ग्लोमेरुलस है वो क्या हो जाएगा, डैमेज। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा एंड दिस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर विल डैमेज द कैपलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की जो कैपलरीज हैं उनको जाकर ये क्या करेगा, डैमेज करेगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर। उसके बाद लीवर प्रॉब्लम्स, सम टाइम जो लीवर की प्रॉब्लम्स हैं या लीवर डिजीज़ हैं वो भी लीड कर रही होती हैं किडनी स्टोन को। उसके बाद है इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हम लोग नाम देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, या तो ये बैक्टीरिया खुद
क्या कर रहे होंगे, किडनी को डैमेज कर रहे होंगे। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हुए हैं, या तो वो खुद किडनी को डैमेज कर रहे होंगे, या उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो भी क्या करते हैं, जाकर डैमेज कर सकते हैं किडनीज़ को। उसके बाद कुछ और भी काजेज हैं किडनी फेलियर की, जिसमें अल्कोहल कंजप्शन और ड्रग्स। याद रखें, ओवरडेटेड ड्रग्स, जब हम लोग एक्सपायर्ड ड्रग्स को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगी, किडनी फेलियर का बायस बनेगी। उसके अलावा जो पावर डोजेस ले रहे होते हैं मसल्स को बिल्डअप करने के लिए बॉडी बिल्डर्स, वो भी क्या करती हैं, किडनी को डैमेज करने का बायस बन रही होती हैं। तो ये कुछ काजेज थी किडनी फेलियर की। अब किडनी फेलियर की दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब तो हुआ परमानेंट, कि किडनी क्या हुई, परमानेंटली डैमेज हुई। एक्यूट का मतलब है पार्शियल फेलियर, कि किडनी के अंदर कुछ डिफेक्ट आया फॉर शॉर्ट टाइम, उसके बाद क्या होगी, वो क्योर हो गई। क्रॉनिक का मतलब है परमानेंट। तो परमानेंटली जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट, वो भी मैचिंग डोनर के साथ। उसको हम लोग नीचे जाके डिस्कस करेंगे। क्योर, दो क्योर्स हैं बेसिकली, डायलिसिस इज द फर्स्ट वन, इसको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट। उसके बाद दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस के बाद हम लोग मूव करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ। अब स्टूडेंट्स, जो एंड स्टेज किडनी फेलियर है उसको हम लोग नाम देते हैं यूरेमिया। यूरेमिया हम लोग कहते हैं बेसिकली इंक्रीज्ड या हाईएस्ट लेवल ऑफ यूरिया इनसाइड द ब्लड। ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेमिया। और वो क्यों होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग। तो डायलिसिस एक टेम्परेरी क्योर है, जो कि किडनी फेलियर के केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो एक्यूट या क्रॉनिक फेलियर, अब याद रखें जब किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे पहले मैचिंग डोनर को जो है वो फाइंड किया जाएगा। उसके बाद उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप्स और बायोकेमिकल टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें टिश्यू टाइप को भी क्या किया जाएगा, कंसिडर। अब उनको ऑपरेट किया जा रहा होगा, कुछ टाइम देंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के, इतने टाइम के बाद किडनी क्या हो सकती है, ट्रांसप्लांट हो सकती है। तो उस जो दुरानिए के दरमियान जो यूरिया को रिमूव किया जा रहा होगा फ्रॉम द बॉडी, वो किया जा रहा होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी जब तक किडनी अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं करती, उसके दौरान भी जो ब्लड से यूरिया को रिमूव किया जा रहा होगा वो किया जा रहा होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। तो डायलिसिस को हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। डायलिसिस मीन द आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को हम लोग क्लीन करते हैं लेकिन आर्टिफिशियल मेथड की मदद से। हम लोग नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग को डिस्कस करते हैं वो नेचुरली है, लेकिन अब नेफ्रॉन वाला ही काम हम लोग ले रहे हैं आर्टिफिशियली। तो वो कैसे ले रहे हैं, फर्स्ट टाइप है डायलिसिस की हीमोडायलिसिस, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपली, सिंपल मीनिंग हीम, हम लोग ब्लड ग्रुप के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, रिलेट। डायलिसिस का मतलब है क्लीन, हीमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। अब हीमोडायलिसिस के अंदर हम लोग एक अपरेटस यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाऊंगा, डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे हीमोडायलिसिस को, अपरेटस को और मैकेनिज्म को। उसके बाद जो थ्योरी है वापस हम उसकी तरफ आएंगे। हीमोडायलिसिस के केस में हम लोग एक मशीन को यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलाइजर। दैट मशीन इज बेसिकली डायलाइजर। और इस डायलाइजर के अंदर पेशेंट का ब्लड क्या किया जाता है, वो एंटर किया जाता है, और दूसरी तरफ से क्या किया जाता है, डायलिसिस फ्लूड को एंटर किया जाता है। अब याद रखें जो ब्लड हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम आर्टरी। ब्लड ले रहे हैं फ्रॉम आर्टरी और ब्लड रिटर्न कर रहे हैं थ्रू वेन बॉडी के अंदर। और यहाँ पे हम लोग पंप भी लगाते हैं ताकि जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। अब यहाँ पे हम लोग जब इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि इसके अंडरलाइन मैकेनिज्म क्या है, तो बेसिकली जो नेफ्रॉन के अंदर मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेशन का, वही मैकेनिज्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डायलाइजिंग फ्लूड को एंटर कर रहे हैं। ये डायलाइजिंग फ्लूड मूव कर रहा है अपवर्ड, और यहाँ पे जो ब्लड की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड फ्रॉम दीज ट्यूब्यूल्स। ब्लड इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर से क्या करेगा, मूव करेगा, जबकि जो डायलिसिस फ्लूड है वो ओपनली बात कर रहा होगा इन ट्यूब्यूल्स को बाहर की तरफ से। इन ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग क्या होगा,
डायलिसिस फ्लूड जो कि कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ब्लड कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो इनका फ्लो क्या होगा, काउंटर करंट फ्लो। एक चीज़ तो काउंटर करंट फ्लो मेंटेन की हम लोगों ने। दूसरा, ये जो मेम्ब्रेन्स थी ट्यूब्यूल की, ये क्या है, सेमी परमीएबल लाइक सेल मेम्ब्रेन। इनकी जो कंपोजिशन रखी जाती है वो क्या होती है, इस तरह की कि यहाँ से मूवमेंट क्या हो सके मटेरियल की, वो पॉसिबल हो सके। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान से सुनी है, यहाँ पे डायलिसिस फ्लूड की कंपोजिशन, कि जो डायलिसिस का फ्लूड हम लोग ले रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे जो फ्लूड हम लोग एंटर कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो होगा वाटर होगा और कुछ हम लोग मिनरल्स और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हो क्या रहा होगा कि इन जो मेम्ब्रेन से जो चीज़ बाहर आ रही होगी वो क्या होगी, ग्लूकोज ने बाहर आना है, हमने उनको बाहर नहीं आने देना क्योंकि वो बॉडी के लिए यूज़फुल है। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ बाहर आ रही होगी, अमाइनो एसिड्स, नहीं वो भी हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो हम लोग जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है उसकी क्वांटिटी ऑलरेडी इंक्रीज़ कर देंगे डायलिसिस फ्लूड के अंदर, ताकि वो चीज़ ब्लड से बाहर ना आए। हमने रिमूव क्या करना है ब्लड से, दो चीज़ें, एक वाटर, एक्सेस वाटर, और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने रिमूव करनी है वो करनी है यूरिया। तो इन दोनों चीज़ों की कंसंट्रेशन लो रखी जाएगी, बल्कि ज़ीरो रखी जाएगी डायलिसिस फ्लूड के अंदर। तो जैसे ही ब्लड एंटर होगा, हम लोग डायलिसिस फ्लूड को एंटर करेंगे फ्रॉम बॉटम, तो डायलिसिस फ्लूड जैसे ही कंटेक्ट करेगा इन ट्यूब्यूल्स के साथ, तो आप लोग जानते हैं ऑस्मोसिस के कंसेप्ट को, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, सॉरी द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और इसी तरह से सॉल्यूट्स पार्टिकल्स की भी मूवमेंट होगी, जहाँ पे वो ज़्यादा मिकदार में होंगे उधर से वो मूव करेंगे कम मिकदार की तरफ। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर अमाइनो एसिड जो होंगे उससे ज़्यादा मिकदार होगी अमाइनो एसिड की डायलिसिस फ्लूड के अंदर। तो इन ट्यूब्यूल से कभी भी अमाइनो एसिड बाहर नहीं आएंगे, ना ग्लूकोज बाहर आएगा, क्योंकि ग्लूकोज की मिकदार हमने डायलिसिस फ्लूड में पहले ही उसके बराबर या उससे ज़्यादा कर दी है। ये मिकदार कितनी रखनी है ये नेफ्रोलॉजी सजेस्ट करेगा उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद, कि उसको किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी चाहिए, फिर वो ऐड की जाएगी इन दिस डायलिसिस फ्लूड। तो यूरिया एंड वाटर बारल यहाँ से क्या हो रहे होंगे, एलिमिनेट इन ट्यूब्यूल से बाहर आ रहे होंगे, और उसको हम वेस्ट की फॉर्म में यहाँ से क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो वाटर फ्लूड रिमूव हो रहा होगा वो अब वेस्ट है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, और ब्लड को वापस एंटर कर दिया जाएगा इनटू पेशेंट्स बॉडी वेन की मदद से। जो ब्लड ले रहे थे वो कहाँ से ले रहे थे, फ्रॉम आर्टरी, और ब्लड को वापस डाल रहे हैं थ्रू द वेन। ये था बेसिकली हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू डायलाइजर, डायलाइजर को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज किडनी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किडनी वाला ही प्रिंसिपल है फिल्ट्रेशन का, एक तो काउंटर करंट फ्लो और दूसरा क्या है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ब्लड फ्लो इन ट्यूब्यूल्स, सेमी परमीएबल ट्यूब्यूल्स हम लोग नाम दे रहे होंगे उनको, बेसिकली दीज आर सेमी परमीएबल। इन डाउनवर्ड ब्लड फ्लो कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड, ये एरोज आप लोगों को दिखा रहे हैं ब्लड फ्लो कहाँ है, डाउनवर्ड, वाइल डायलिसिस फ्लूड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि डायलिसिस फ्लूड क्या होगा, अपवर्डली मूव कर रहा होगा। वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंट्रिंग टू डायलिसिस फ्लूड, ब्लड से वेस्ट कहाँ आ रहे होंगे इस डायलिसिस फ्लूड के अंदर, और जो ब्लड होगा वो क्या होगा, अल्टीमेटली क्लीन हो जाएगा। अब ये जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है ये हॉस्पिटल्स में परफॉर्म किया जा रहा होता है, और 3-4 टाइम अ वीक हम लोग क्या करते हैं इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 3-4 टाइम्स अ वीक हम लोग क्या करते हैं इसको परफॉर्म करते हैं। दूसरी टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। हमारी बॉडी में एक कैविटी मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम, हम लोग प्रिंसिपल वही यूज़ कर रहे हैं, डायलिसिस फ्लूड सेम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो डायलाइजर या इस मशीन की बजाय हम लोग जो कैविटी यूज़ कर रहे हैं वो कैविटी है हमारी बॉडी के अंदर पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम हमारे अबडामन वाले रीजन में मौजूद है, ये जो मैं कर्व ड्रा किए ये बेसिकली डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे मौजूद है।
अब ये जो मैंने रेड कलर यहाँ पे इसको वाइंड अप किया है, ये बेसिकली ब्लड कैपरीज हैं जो सराउंड कर रही हैं इस पेरिटोनियम को। अब हम लोग पेरिटोनियम के अंदर डायलिसिस फ्लूड को एंटर करेंगे और यहाँ पे जो डायलिसिस फ्लूड है वो जब एंटर होगा तो एंटर होने के बाद यहाँ पे जो ब्लड कैपरीज हैं इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, अब ब्लड कैपरीज से फिल्ट्रेशन पॉसिबल है क्योंकि ये वन सेल थिक होती हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसके अंदर यूरिया के लेवल क्या होगा, हाई। उसके बाद वाटर का लेवल भी क्या होगा, हाई। तो वाटर एंड यूरिया मूव करेंगे फ्रॉम दिस ब्लड कैपरीज इनटू डायलिसिस फ्लूड। अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होगा, ये इनसाइड ऑफ पेरिटोनियम कैविटी, ये मेम्ब्रेन ऑफ पेरिटोनियम कैविटी, और उसके बाद यहाँ पे होगा हमारे पास ब्लड वेसल्स और ये एक्सटर्नली बॉडी मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे जब हम लोग डायलिसिस फ्लूड को एंटर करेंगे, डायलिसिस फ्लूड एंटर होगा तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से ब्लड क्या करेगा, सॉरी यूरिया क्या करेगा, मूव करेगा इनटू दिस पेरिटोनियम कैविटी, क्योंकि यहाँ पे फ्लूड मौजूद है, उस फ्लूड के अंदर वाटर एंड यूरिया की मिकदार क्या है, कम। और साथ में वाटर भी क्या करेगा, मूव करेगा इनटू दिस पेरिटोनियम कैविटी और फिल्ट्रेशन क्या होगी, पॉसिबल। याद रखें सारे पेशेंट्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होती पेरिटोनियम डायलिसिस, कुछ पेशेंट्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो उसकी वजह से जो फिर अल्टरनेटिव मेथड होता है वो कौन सा होता है, हीमोडायलिसिस। अब डायलिसिस के केस में डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जो वाटर है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ड्रिंक किया जाता, क्योंकि जो 3 to 4 hour का ये प्रोसीजर होता है तो उसके अंदर इनफ वाटर रिमूव नहीं हो सकता फ्रॉम बॉडी। तो एक एडिक्वेट लेवल ऑफ वाटर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ड्रिंक। और डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो मिनरल्स हैं वो आपने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेने, सोडियम और अदर मिनरल्स, क्योंकि अब किडनी उनको रिमूव नहीं कर रही फ्रॉम द बॉडी, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही। तो ये डाइट का बहुत ज़्यादा क्या रखना होता है ख्याल। अब लास्ट पे एंड स्टेज किडनी फेलियर के अंदर जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है कि डोनर के साथ जो किडनी दे रहा होगा उसके साथ मैच की जाएगी जो रिसिपिएंट है उसकी किडनी। तो किडनी के ट्रांसप्लांट के अंदर जो कुछ स्टेजेस होती हैं जहाँ पे नेफ्रोलॉजी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है या इस स्टेज पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। तो जो अगर किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जो मेथड यूज़ कर रहे होंगे वो क्या होगा, डायलिसिस का। उसके बाद अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो भी जाती है, सम टाइम टिश्यू रिजेक्शन, टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करना शुरू कर देता है, रिजेक्ट करना शुरू कर देता है एक्सटर्नली जो टिश्यूज एंटर होते हैं इनटू द बॉडी। बहरहाल जो परमानेंट मेथड होगा वो क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट। जो किडनी के अंदर डायलिसिस को यूज़ करते हैं ये एक टेम्परेरी मेथड है यूरिया को रिमूव करने का फ्रॉम द बॉडी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने किडनी प्रॉब्लम और साथ उनके क्योर्स को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी क्यूरी है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।